हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आया हूँ बड़ौदा में, जिसे आजकल वडोदरा कहते हैं और ये गुजरात की कल्चरल कैपिटल सिटी के तरह से माना जाता है। तो आज मैं वडोदरा सिटी एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो आपको दिखाता हूँ आगे और मैं क्या क्या देख रहा हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको पूरा बड़ौदा सिटी का पूरे जानकारी दे सकूँ बड़ौदा सिटी के बारे में। यह बड़ौदा का इस्कॉन मंदिर, बड़ौदा का इस्कॉन मंदिर है। ये अंदर चल के देखते हैं, वीडियो शूटिंग करने मिलता है तो वीडियो शूटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे गोविंदास रेस्टोरेंट है इस्कॉन टेंपल के अंदर ही, यहाँ पे आपको थाली खाने को मिल जाएगी गोविंदास इस्कॉन में। और यहाँ पीछे देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर, बड़ौदा का इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर, वडोदरा का इस्कॉन मंदिर है ये। यह है बड़ौदा की यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, सयाजी बाग बड़ौदा। सयाजी बाग में एक जू भी है, लेकिन उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो आपको अगर सयाजी बाग के जू का वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर एक सयाजी बाग में ही है सरदार पटेल प्लैनेटोरियम। यहाँ पर है सयाजी बाग में टॉय ट्रेन भी है, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन है यहाँ पर, सयाजी एक्सप्रेस। यह है सयाजी बाग, बड़ौदा का फेमस सयाजी बाग। यहाँ पे जू है, म्यूज़ियम है, गार्डन्स है, सब कुछ है यहाँ पर एक ही जगह पे। टॉय ट्रेन भी है बच्चों के लिए, टॉय ट्रेन। यह है बड़ौदा म्यूज़ियम एंड पिक्चर गैलरी, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड स्टाइल कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर है यहाँ पे। अरे बड़ौदा पिक्चर गैलरी की टिकट विंडो इंडियंस के लिए 100 रुपीज़ टिकट है,
एंट्री टिकट 100 रुपीस। वैसे भी इस पिक्चर गैलरी में अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अगर हम अंदर जाते हैं तो अभी आपको कुछ वीडियो बता नहीं सकेंगे, इसलिए मैं आपको ये सब वीडियो सब बाहर से बता दे रहा हूँ। तो आपको बाहर से अगर आपको अंदर जाके देखना है तो 100 रुपये की आपको टिकट लेके अंदर जाके देखना पड़ेगा। यह है यहाँ पे किड्स प्लेइंग जोन एरिया, किड्स प्लेइंग एक्टिविटीज। और अब ये फाइनली हम सयाजी बाग जू को एग्जिट कर रहे हैं, सयाजी बाग को ही एग्जिट कर रहे हैं एक्चुअली। और यहाँ पे है ये कीर्ति मंदिर। फिलहाल ये दोपहर को 12 बजे बंद हो जाता है, हम 12 बजे के बाद ही आए हैं तो अंदर से आपको नहीं दिखा सकेंगे, बाहर से ही दिखा दे रहा हूँ। ये है कीर्ति मंदिर, किसी महल से कम नहीं लगता है कीर्ति मंदिर, महल जैसी ही बनावट है पूरी। बड़ोड़ा का कीर्ति मंदिर, अरे कीर्ति मंदिर के पास ही है दत्त मंदिर। अभी फिलहाल मंदिर सब बंद है, दोपहर का टाइम है तो आपको यहीं से दर्शन करा लेते हैं। और यहाँ पे आपको अगर पॉटरी शॉपिंग करनी है तो पॉटरी की बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स हैं, सब पॉटरी शॉप्स ही लाइन से, वो कोई भी पॉटरी की शॉपिंग करने तो यहाँ पे कर सकते हैं। और ये यहाँ पर नेचुरल मगर है, बरोडा के इस ब्रिज पे खड़े हैं हम यहाँ पर रोड पे, यहाँ पे नीचे मगर दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे मगर है, करीबन 1 किलोमीटर के अंदर करीब 400 से 500 मगर रहते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ौदा को इसीलिए कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात कहते हैं। यहाँ पे सभी तरह की कल्चरल चीज़ मिल जाती है आपको। यहाँ पे राजस्थानी ये भी चल रहा है, राजस्थानी सेल, यहाँ पे राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट का सेल चल रहा है। और आगे आप देखेंगे वहाँ पे आगे टिबेटियन मार्केट भी है, यह राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट का सेल यहाँ पे। और यहाँ पे आगे अभी टिबेटियन मार्केट भी लगा हुआ है, इसलिए बड़ौदा को कल्चरल सिटी कहते हैं। यहाँ पर है बड़ौदा का फेमस रॉयल पैलेस, लक्ष्मी विलास पैलेस। इसमें जाने के लिए आपको 250 रुपीज़ एंट्री फ़ी है, तो आपको 250 एंट्री फ़ी, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। अब लाइन लेके टिकट लेके अंदर लक्ष्मी विलास पैलेस में जा सकते हैं घूमने के लिए। यह है लक्ष्मी विलास पैलेस, फेमस लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ौदा, बड़ौदा की रॉयल फैमिली का पुराना महल, अभी तो इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। अंदर जाने के लिए 250 रुपीज़ टिकट है। पहले महाराजा गायकवाड़ यहाँ पे बड़ौदा के यहीं पे रहते, ये उनका राजमहल था। और ये है बड़ौदा का फेमस लालबाग गार्डन। हम वैसे तो गार्डन में जा नहीं रहे पर ऑन द वे आपको इसकी तस्वीरें दिखा देते हैं। ये हजीरा कुतुबुद्दीन मोहम्मद खान नो मकबरो, और ये है यहाँ का मकबरा, बड़ौदा सिटी के बीच में है बराबर यह मकबरा, बहुत पुराने ज़माने का मकबरा है ये। और ये है मांडवी का, बड़ौदा में मांडवी का मांडवी गेट, ये बराबर सिटी के बीचों बीच में चारों रास्तों के बीच में बना हुआ मंदिर है, यहाँ पे मेलडी माता का मंदिर है यहाँ पर मांडवी रोड के बीच में, ये मंदिर है यहाँ पर मांडवी। यह है सूर सागर लेक सिटी के बीच में, यहाँ पे बीच में शंकर भगवान की मंदिर है, मूर्ति है, अभी उस पर शायद कुछ काम चल रहा है तो अभी आपको ज़्यादा नज़दीक मूर्ति दिखेगी नहीं क्लियरली, लेकिन यहाँ पे बोटिंग भी करने को सब अलाउड है, यहाँ पे
बोटिंग सब आप कर सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। अगर आपको वडोदरा में आके भूख लग रही है तो सूरसागर लेक के सामने ये कोल्हापुरी तड़का है, वहाँ पे आके आप नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर की मिसल मिलती है, बहुत ही अच्छी मिसल यहाँ पे मिलती है, तो अगर आपको मिसल खाना हो तो ज़रूर यहाँ पे आइए। वड़ा पाव और सभी हमारे से आइटम्स यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलेंगे। और ये श्रीराम मोरेजी यहाँ के ओनर है, तो अगर आप कभी भी आए वडोदरा में यहाँ पे तो सूरसागर लेक के सामने इनकी होटल है, तो आप आके यहाँ पे तंदूरी मिसल, जो भी आपको मिसल, वड़ा पाव, जो भी मराठी आइटम चाहिए सब सही मिलेगी। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को मेरे वडोदरा का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को मेरे लाइक कर दीजिए। जो वीडियोस, जो वडोदरा की मेन प्लेसेस तो मैंने सब आपको आज कवर करके बता दिए।